हेलो एवरीवन दिस इज़ कपिल काद हेयर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी टुडे वी हैव टू डिस्कस द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है ये इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स प्लस उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर जो भी हमारे नए फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सो हम स्टार्ट करते हैं एक समरी के रूप में तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर कि वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पजेज़ जो इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली वो हम मैनी पर्पज़ के लिए अपने घरों के अंदर अपने आ, जैसे क्या है कि इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली हर जगह पर यूज़ करती हैं कि फ़ॉर एग्जांपल वी कैन यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट दी पंप्स फ्रॉम द लिफ्ट वाटर्स फ्रॉम ए वेल एंड फ्रॉम ए ग्राउंड लेवल टू द रॉक टॉप ऑफ ए टैंक अब इसको कहाँ यूज़ किया जाता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को ओपन पंप्स के लिए लिफ्टिंग के लिए ट्यूबवेल्स के लिए ग्राउंड लेवल के अंदर से जो वाटर को लिफ्ट करना उसके लिए यूज करते हैं मशीन्स वगैरह चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है कि वाट आर दी अदर परपज ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी कि यू सम दैम इन योर राइडर योर नोटबुक तो आपने इसको अपने एक नोटबुक के अंदर लिखना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं कि डज़ योर लिस्ट इंक्लूड दैट द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए लाइट नींग आप इलेक्ट्रिसिटी इज़ मेक इट इज़ पॉसिबल टू लाइट ओवर होम रोड ऑफिस मार्केट फैक्ट्रीज एंड इवन आफ्टर ए सनसेट तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वह एक बहुत ही क्या है इसके अंदर एक पॉसिबल थिंग्स बनाई गई है हमारे लिए क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कॉन्ट सर्वाइव तो वो हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं रोड्स के रूप में जैसे लाइट के रूप में ऑफिस के अंदर मार्केट्स uh, के अंदर फैक्ट्रीज के अंदर और आफ्टर सनसेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है कि दिस हेल्प आस टू कॉन्टीन्यूस वर्किंग एट ए नाइट ए पावर स्टेशन प्रोवाइड आस विद ए इलेक्ट्रिसिटी कि जो पावर स्टेशंस होते हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं प्रोडक्शन देते हैं प्रोवाइड करते हैं कि हाव एवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल्स और इट मे नॉट बी एबल टू ए सम प्लेसेज इन सम सिचुएशन ए टोर्च इज़ सम टाइम यूज़ फॉर प्रोवाइडिंग ए लाइट अब यदि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाता है फॉल्ट होने के बावजूद जो हमें एक मतलब टॉर्च है टॉर्च भी क्या प्रोवाइड करती है एक लाइट के रूप में वो भी हमें प्रोवाइड करती है कि ए टॉर्च हैज़ ए बल्ब टॉर्च के अंदर क्या होता है बेटा जी एक बल्ब होता है दैट द लाइट ऑफ इट इज़ ए स्विच ऑन एंड वेयर डज द टोर्च दैट इज़ ए इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल्स क्या होते हैं जो बैटरीज के अंदर यूज़ किए जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द बल्ब इन ए टॉर्च इट इज़ प्रोवाइड इन दी इलेक्ट्रिक सेल्स अभी किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं बाई द इलेक्ट्रिक सेल्स के द्वारा कि इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज इन ए अलार्म क्लॉक कहाँ यूज़ करते हैं बेटा जिसको अलार्म क्लॉक के अंदर कि रिस्ट वॉचिज़ के अंदर ट्रांजिस्टर रेडियोज़ के अंदर कैमराज के अंदर और मैनी अदर डिवाइसिस के अंदर हाव एवर एवर की केयरफुली लुक इन द इलेक्ट्रिकल सेल कि यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज स्मॉल मेटल कैप इसके ऊपर क्या होती है बेटा जी एक मेटल की कैप्स होती है जैसे मैं अभी आपको फिगर में दिखाने वाला हूँ कि अदर साइड एक क्या होती है इसके मेटल डिस्क होती है कि डिड यू नोटिस इज़ ए पॉजिटिव साइन एंड ए नेगेटिव साइन माँ कोने इलेक्ट्रिकल सेल अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है साइन लगा दिए जाते हैं अब देखिए ध्यान से दिस इज कॉल्ड इज़ ए मेटल कैप जो पॉजिटिव एंड है और जो निचले वाला एंड है दिस इज कॉल्ड इज ये क्या है एक मेटल की जो डिस्क लगी होती है नीचे की तरफ आपने सेल्स आपके घर पे देखे होंगे तो ये नेगेटिव एंड होता है कि मेटल कैप इज़ ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड मेटलिक जो डिस्क होती है इज़ ए नेगेटिव टर्मिनल कि ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैज़ ए टू टर्मिनल हर एक इलेक्ट्रिकल सेल के क्या होते हैं दो टर्मिनल होते हैं मीन्स लाइक इज एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल कि एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस क्या करता है बेटा जी ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फ्राम द केमिकल स्टोरेज इन साइड इट क्योंकि इसके अंदर क्या होती है केमिकल जो स्टोरेज ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है कि वैन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिकल सेल आर यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉक प्रोड्यूसिंग ए इलेक्ट्रिसिटी कि जब वो कैमिकल्स अपना कार्य करना छोड़ देता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी हमें नहीं मिल पाएगी कि दो इलेक्ट्रिक सेल्स देन कैन बी रिप्लेस विद ए न्यू वंस तो वो कैसे रिप्लेस किया जाता है एक नया परचेज करके ही वो उसको हम ले सकते हैं कि ए टॉर्च बलफ इज आउटर केस ऑफ ए गिलास दैट इज़ फिक्स इन ए मेटलिक बेस अब इसको किसके माध्यम से फिक्स किया जाता है एक मेटलिक बेस के माध्यम से अब जैसा फिगर के अंदर दिखाया गया फिगर ट्वेल्व पॉइंट टू ए के अंदर कि वट इज़ इन साइड इन द्लास केस ऑफ द बल्लफ अब उससे पहले देखिए बेटा जी आप इसके अंदर टोर्च बल्फ एंड इन साइड ऑफ द व्यूज क्या होते हैं अब ये तो कहें इसके टर्मिनल हैं दिस इज कॉल्ड इज द टर्मिनल एंड्स अब उसके अंदर जो ये फिलामेंट्स है ये फिलामेंट्स बना हुआ है जो ये के अंदर के एक फ्यूज़ के रूप में होता है ये इसको फिलामेंट्स कहते हैं उसके बाद एक्टिविटी है इसके अंदर एक्टिविटी फर्स्ट uh, कि टेक द टोर्च एंड लुक इन साइड द बल्फ यू कैन ऑल्सो टेक आउट ऑफ द बल्फ विद दी हेल्प ऑफ यूर टीचर की वट यू नोटिस क्या आप नोटिस करोगे इसके अंदर की डू यू फाइंड द थीन वायर फिक्स इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्फ अब जो मैंने आपको बताया उसको फिलामेंट कहते हैं जो अंदर एक वायर होती है कि नाउ स्विच द टॉर्च ऑन द ऑन एंड ऑब्जर्व विद पार्ट ऑफ द बल्लफ ग्लो अब जैसे आप उसको किसी बैटरी या सेल के साथ अटैच करते हैं तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है कि द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ ए लाइट इज कॉल्ड इज ए फिलामेंट उसको बेटा जी क्या बोलते हैं फिलामेंट ऑफ दी बल्ब्स बोला जाता है कि द फिलामेंट इज़ ए फिक्सड इन ए थ्रू जो क्या है टू थिकर वायर्स इसके अंदर दो छोटी छोटी वायर्स लगी होती हैं वन ऑफ दीज थिक वायर्स इज कोनेक्टेड इन द मेटलिक केस और वो किससे कनेक्टेड होती है मेटल का जो केस लगा है उसकी तरफ कि ऑन द बेस ऑफ द बल्ब जो नीचे की तरफ लगा है बेस मीनस ये देखिए ध्यान से दिस इज कॉल द बेस ये बेस है इसका उसके बाद इसके अंदर कि द बेस ऑफ द बल्ब एंड ए मेटल टिप्स ऑफ द बेस ऑफ ए टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब दीज टू टर्मिनल आर ए फिक्स इन सच द वे एंड दे डू नॉट टच विद ईच अदर आपस में इसको टच नहीं करेंगे कि द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट ए होम कहाँ यूज करते हैं इसको हम होम्स के अंदर एंड ऑल्सो ए सिमिलर डिजाइंस एंड द इलेक्ट्रिकल सेल्स और ए बलफ इज ए टू टर्मिनल ईच वाई डे दीज आर द टू टर्मिनल्स अब इसके दो टर्मिनल्स होते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो आपको अभी बताया था उसके बाद इसके अंदर है बेटा जी कि एन बलफ इज कोनेक्टेड इन ए किससे कोनेक्टेड है कि कोनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल सेल कि जैसे उसको हम कोनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सेल से कि लेट्स ट्राई टू मेक ए इलेक्ट्रिकल बल्ब लाइट यूज़ यूजिंग इन इलेक्ट्रिकल सेल हाउ डू वी डू तो उस केस में क्या होने वाला है देखिए ध्यान से कि इलेक्ट्रिकल बल्ब को आपको बैटरी के साथ अटैच करना है देखिए एक्टिविटी दी गई एक्टिविटी टू पॉइंट टू की टेक फोर लेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रिकल वायर की विथ ए डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग रिमूव ए लिटल ऑफ ए प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर एट एंड देखिए ध्यान से बिल्कुल सिंपल है ये कि दिस कोड बी एक्सपोज द मेटल वायर एट द द एंड ऑफ ईच लेंथ फिक्स एक्सपोज द टू वायर इन दी सेल्स ऑफ अदर टू इन दी बल्फ अब देखिए ध्यान से कि जैसे आपका ये क्या है एक बल्फ है अब बल्लफ के साथ आपने किस को अटैच किया है दो वायर को अटैच किया है एक पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया दिया एक से नेगेटिव टर्मिनल से और इन दोनों को आपने अच्छी तरह से टाइट कर दिया जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल बल्ब को यहाँ पर अटैच करते हैं तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेल ऑफ ए टू वायर अटैच टू ईच अदर आपस में दोनों वायर को लगा दिया क्लियर है अब वो दोनों वायर को बैठा जी सेम है जट इज़ ये आपका इलेक्ट्रिकल बल्फ है अब एक इलेक्ट्रिकल वायर उससे अटैच हो जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से उसके बाद है द बल्फ इज़ कनेक्टेड टू द टू वायर यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्फ विद द टेप यूज बाय द इलेक्ट्रीशियन मतलब उसको अच्छी तरह से वायर लगा के टेप लगा दी जाती है और यूज़ ए रबर बैंड और ए टेप टू फिक्स द वायर ऑफ द सेल और जो उसको अच्छी तरह से वो फिक्स कर देती है उसके बाद है नाव कोनेक्ट द वायर फिक्स टू दी बल्फ विद दोज अटैच टू दी सेल इन ए सिक्स डिफरेंट वेज अलग अलग छः तरीके से लगा सकते हैं हैज़ बिन सोन इन ए फिगर जैसा फिगर में दिखाया गया है फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्फ़ ग्लो और नाट कि जो बल्फ है वो ग्लो करता है या नहीं करता है अब उसके बाद देखिए इसके अंदर कि राइट येस और नो ऑफ ए अरेंजमेंट आपने अपनी कॉपी के अंदर इसको करके देखना है कि नाउ केयरफुली लुक एट दरेंजमेंट इन विच द बल्फ इज ग्लोव कंपेयर दिज विथ एज इन विच द बल्फ इज डज़ नॉट ग्लो अब देखिए जैसे आप छः वे से अलग अलग तरीके से लगाते हैं तो कौन से में बल्फ क्या ग्लो करेगा और कौन से में ग्लो नहीं करेगा तो वही देखने वाले हैं किप द टिप्स ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नीयर द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल फॉर द अरेंजमेंट इन ए फिगर ट्वेल्व पॉइंट फाइव मोर द पेंसिल एलोंग विथ दी वायर ऑल दी वे ऑफ द बल्फ नाव फॉर्म दी अदर टर्मिनल ऑफ दी बलफ मू एलोंग विद अदर वायर उसको किसे कर रहा है वो अदर साइड ऑफ द वायर से कि रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल दी अदर अरेंजमेंट कि डेड द बल्फ इज ग्लो फॉर अरेंजमेंट इन विच यू कोड बी मू द पेंसिल अब देखिए जो इसके अरेंजमेंट है सबसे पहले अरेंजमेंट को आपने लगाया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल तो ग्लो कर रहा है अब इसमें से इसमें आप क्या कर दिया वायर को हटा दिया तो बल्फ़ ग्लो नहीं करेगा उसके बाद सेम एज इट इस वायर को आपने हटा दिया तो ये भी ग्लो नहीं करेगा आप इस वायर को दोनों वायर को एक ही कॉम्बिनेशन से जोड़ दिया तो तब भी ग्लो नहीं करेगा और एक ही कॉम्बिनेशन पॉजिटिव कॉम्बिनेशन से जोड़ा तो इस तो भी ये ग्लो नहीं कर रहा है और यदि आपने इसको फिर अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया मीन्स पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव तो ये ग्लो कर रहा है तो इसको ये सिक्स डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब की इन इलेक्ट्रिकल सेल के साथ उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं कि इन एक्टिविटी टू यू हैव टू कनेक्टेड ए वन टर्मिनल विद द इलेक्ट्रिकल सेल ऑफ द अनदर टर्मिनल थ्रू द वायर पासिंग टू एंड एंड फ्रॉम दी बल्ब अब जैसे वायर पास कर रहे हैं ठीक है ना एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर नोट दैट द अरेंजमेंट ऑन इन ए फिगर ट्व पॉइंट फाइव जैसा कि आपने अरेंजमेंट अभी मैंने आपको दिखाया एंड द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेल कोनेक्टेड द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब मतलब उसको दो टर्मिनल के साथ कोनेक्ट किया गया है कि सच द अरेंजमेंट ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ए किसका है एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का कि द इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास कि जो इसके अंदर क्या बताया गया बेटा जी कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो प्रोवाइड करता है कंप्लीट पाथ किसके लिए फॉर इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से फ्लो कर सके कि बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द सेल द बल्ब इज़ ग्लो ओनली फॉर द करंट फ्लो थ्रू इन दी सर्किट बल्ब तब ही ग्लो करेगा जब उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है उसकी जो डेफिनेशन बड़े ध्यान से सुनना एक क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस पाथ द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट कि वो पाथ क्लोज है और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है कि इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ ए करंट इज टू बी ए पॉजिटिव कि जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ़्लो करेगा अब जैसे ये अरेंजमेंट है देखिए अरेंजमेंट तो आप देख चुके हैं ऑलरेडी उसके बाद है द टर्मिनल ऑफ़ द बल्ब आर कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिकल सेल बाय वायर वायर के साथ उसको कनेक्ट करते हैं द करंट पासिस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब दिस मेक्स ए बल्ब ग्लो उस केस में वो बल्ब क्या करेगा बेटा जी ग्लो करना स्टार्ट कर देगा जब करंट फ्लो करेगा अब उसमें जो बल्ब में क्या लगा होता है फिलामेंट वो ग्लो करते हैं कि सम टाइम इलेक्ट्रिकल बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इज कनेक्टेड इन दि सेल्स कि कुछ समय वो ग्लो नहीं करती इट मीन्स उसका कारण क्या बनता है कि जो बल्फ है वो फ्यूज हो जाता है कि इट हैपन द बल्फ हैज़ ए फ्यूज लुक इज़ द फ्यूज बल्फ इज़ ए केयरफुली तो आपने इसको अच्छी तरह से केयरफुली चेक कर लेना है नेक्स्ट है इसके अंदर कि एन इलेक्ट्रिकल बल्फ मे बी फ्यूज ड्यू टू ए मैनी रीजन इसके भी काफ़ी रीजन्स हैं वन रीजन फॉर ए बलफ इज़ टू बी फ्यूज़ इन ब्रेक इट्स ए फिलामेंट जो उसके अंदर फिलामेंट्स होता है वो टूट जाता है अंदर से ब्रेक हो जाता है कि ये ब्रेक ऑफ ए फेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब मीन्स इज ए ब्रेक ऑफ द पाथ उसका मतलब क्या हो गया कि जो उसका इलेक्ट्रिक करंट पास करने का जो पाथ था वो टूट गया कि द करंट इज बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल देयर फॉर ए फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप इज़ नो करंट पास थ्रू इन इट्स फिलामेंट कि जो उसमें से करंट पास ही नहीं कर पाएगा कि कैन यू नाउ एक्सप्लेन द बल्ब डज नॉट ग्लो यू ट्राई टू डू सो इन द अरेंजमेंट ऑफ ए फिगर जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया था उस केस में क्या है कि या तो आप क्या करोगे बेटा जी दोनों वायर को एक ही साइड में अटैच कर दोगे या फिर इसका फिलामेंट क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा यही इसका रीज़न रहने वाला है उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस क्या होते हैं ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस कि वैन या वी हैड अरेंजमेंट ऑफ फॉर ए स्विचिंग आप स्विचिंग क्यों अरेंज करते हैं ताकि उसको हम ऑन कर सकें या ऑफ़ कर सकें Ki on or off your home made of a torch by moving the base of a balla away from the tip of the cells. Ki this was uh, the simple switch but not is a very easy for, for यूज़ कि वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन द सर्किट इसको हम यूज़ करते हैं सर्किट्स के अंदर अब देखिए ध्यान से घरों में आपके ऑलरेडी होंगे कि स्विच ऑन करना या स्विच ऑफ करना कि एक्टिविटी दी गई एक्टिविटी चार तो देखिए इसको कि यू कैन मेक ए स्विच यूजिंग द टू ड्रॉइंग पिन ए सेफ्टी पिन और ए टू वायर एंड ए स्मॉल सीट ऑफ ए थर्मोकोल और ए वुडन बोर्ड तो इसके माध्यम से कि इसको स्विच बना सकते हैं आप इंसर्ट इन ए ड्रॉइंग आप मतलब एक इसको ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए क्योंकि स्विच में क्या होता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल और वो वायर के साथ ही अटैच होता है उसके बाद बेटा जी इसके अंदर कि ड्रॉइंग ए पिन इन टू द रिंग्स एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इन दर्मोकोल सीट जैसा कि फिगर में दिखाया था भी कि मेक श्योर डेट द सेफ्टी पेन कैन बी रोटेट फ्रीली जो सेफ्टी पिन है वो रोटेट कर जाती है फ्रीली नाउ फिक्स द अदर ड्रॉइंग पेन on the थर्मोकोल seat in the way that the free end of the safety pin can be torch it मतलब उसको हम touch कर सकते हैं ताकि उससे क्या कर सके हम मतलब switch on और switch off कर sake activities को उसके बाद यही बताया गया बेटा जिसके अंदर जो सेफ्टी है वो कवर की जाती है प्लास्टिक मतलब एक प्लास्टिक के माध्यम से ताकि उसके अंदर कोई भी करंट या कुछ भी हमें कोई भी डैमेज ना कर सके उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चेह जो जिसके अंदर क्वेश्चन रहने वाला है इनसाइड द व्यूज़ ऑफ ए टॉर्च कि टॉर्च के अंदर क्या क्या होता है अब टॉर्च के अंदर बेटा जी वैसे बेसिकली दो सेल्स डलते हैं अब दिस इज कॉल्ड इज ए पॉजिटिव टर्मिनल और जो एंड होता है इसका जो मेटल कैप्स आपने पढ़ी थी दिस एंड इज़ कॉल्ड इज ए नेगेटिव अब ये नेक्स्ट जो सेल है उसका पॉजिटिव एंड है तो दिस इज कॉल्ड इज़ ए बहुत आ रही इलेक्ट्रिकल सेल इसको इलेक्ट्रिकल सेल बोले जाते हैं आप जो ये क्या है आपका स्विच ऑन करने वाला जिसको स्लाइडर स्विच कहते हैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ उसके बाद है प्लास्टिक इसके अंदर क्या लगी है केजिंग लगी है प्लास्टिक की जो बनी हुई है ये बाहर से एंड दिस कॉर्ड इज ए रिफ्लेक्टर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उधर आगे की तरफ फैलाता है और दिस इज कॉल्ड इज ए बल्फ ये क्या है इसके अंदर बेटा जी बलफ लगा है अब इसमें क्या है कि सेम एज इट इज़ कि ए स्विच ऑफ ए सिंपल डिवाइस इधर ब्रेक इन द सर्किट इज़ कम्प्लीट द स्विच इज यूज़ फॉर लाइटनिंग द इलेक्ट्रिकल बल्ब इज द डिवाइस ऑफ ए होमवर्क अब जैसे कोई भी क्या होता है इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है अब वो घरों के अंदर बेसिकली यूज़ करते हैं उसका सेम प्रिंसिपल है उसके साथ स्विच लगा दिया जाता है उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं कंडक्टर आपको काफा पढ़ पड़ा होगा आपने सिक्स क्लास के अंदर कि जिसके अंदर से करंट इजिली पास कर जाए उसको हम कंडक्टर कहते हैं और जिसके अंदर से करंट पास ना करें दिस इज कॉल्ड इज ए इंसुलेटर कि इन ऑल एक्टिविटीज यू हैव टू ए मेटल वायर मेक इन ए सर्किट एंड सपोज वी यूज ए कॉटन थ्रेड इंस्टैंड ए मेटल वायर मेक ए सर्किट क्या आप उसको सर्किट बना पाओगे डू यू थिंक द बलफ़ विल बी लाइट अप सच इन ए सर्किट कि वट मटीरियल कैन बी यूज़ इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट कि कौन सा मटीरियल यूज़ करोगे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए कि दैट एक करंट जिसमें से करंट क्या हो ईजली पास हो जाए अब एक्टिविटी दी गई है फाइव तो क्या इसके अंदर डिस्कनेक्ट द स्विच फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट फोर यूज़ फॉर एक्टिविटी फोर कि दिश बोर्ड आई लिव फॉर ए टू फे फ्री एंड्स ऑफ द वायरस ऑन इन फिगर आप जैसे कि फिगर में दिखाया गया है सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट फिगर है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन टेस्टर एंड सेकेंड इज ए टेस्टिंग वैदर द बलफ इज ग्लो इन द टेस्टर ऑफ ए कोनेक्ट विद ए की तो उसको हम किससे कोनेक्ट कर रहे हैं की के माध्यम से तो पहले इसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये क्या है ये ग्लो करने वाला भी है या नहीं करने वाला है जब आप उसको की लगा देते हैं इट मीन्स वो क्या करता है ग्लो करना स्टार्ट कर देता है क्लियर है बेटा जी तो ये कहते हैं हमारे जो कंडक्टर थे अब इसके अंदर बेसिकली बताया भी गया है कंडक्टर के बारे में कोलेक्ट ए सैम्पल ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच एज ए कॉइंस कोक एंड रबर ग्लास कीज़ पिन प्लास्टिक स्केल वुडन ब्लॉक एलुमिनियम फॉल कैंडल और शिविंग नीडल्स एंड थर्मोकोल्स पेपर एंड पेंसिल लेड्स की वन बाय वन ब्रिंगिंग इन द फ्री एंड ऑफ द वायर यू आर टेस्टर्स इन कॉनैक्ट विद अब कनेक्ट किसके साथ किए गए हैं टू एंड ऑफ दी बैटरीज मतलब क्या दोनों एंड्स के साथ उसको अटैच कर दिया गया है अब इसमें जैसा कि क्या है कि एक टेबल दी गई है बेटा जी कंडक्टर एंड इंसुलेटर से रिलेटेड कि ऑब्जेक्ट यूज इन द प्लेस ऑफ द स्विच आप की लगा दी यहाँ पर मेटेरियल इट इज़ यूज फॉर कि वो किसका बना है मेटल्स का बना है ब्लो ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है तो ये सीम एजिटीज है ये आप सभी ने इसको फिल करना है उसके बाद है डू यू फाइंड द बल्फ डज नॉट ग्लो वैन द फ्री एंड ऑफ द वायर इन कॉनेक्ट एंड सम materials यू हैव टेस्टेड these मीन्स दैट these material do नो allow the इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट कि इसमें से यदि करंट पास नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिकल बलफ ग्लो नहीं करेगा ऑन दी हदर हैंड सम मटेरियल एलो द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दैन कि कुछ ऐसे मेटीरियल्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास ईजिली हो जाता है अब उसके अंदर बताया गया कि कि विच इंडिकेट द ग्लोइंग ऑफ बल्ब और वो ग्लो करेगा बलफ़ को कि मटेरियल विच एलाओ द इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू दैम उसको हम कंडक्टर कहते हैं जिसमें से करंट पास हो जाता है और जिसमें से करंट पास नहीं होता दिस इज़ कॉल्ड इज ए इंसुलेटर कि इंसुलेटर डू नॉट एलाओ द इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू दैम दिस इज़ कॉल्ड इज़ ए इंसुलेटर अब एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे कि कंडक्टर और इंसुलेटर से रिलेटेड ये सब हैं कि वट डू यू कंकलूड विच मटेरियल्स ऑफ ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर कि कौन से ऐसे कंडक्टर हैं जिसमें से करंट पास कर सकता है और जो ऐसे हैं तो आपने यहाँ पर राय डाउन करना है तो बेटा जी हमारा कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो चुका है और यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली अपना मैसेज और अपना कॉमेंट डाल सकते हैं अब इसमें जो कंडक्टर से रिलेटेड है तो कंडक्टर वही होते हैं जिसमें से करंट पास किया जाता है जैसे कोई मेटल्स है और इंसुलेटर क्या होते हैं जिसमें से करंट पास नहीं करते लाइक एजें कंडक्टर मीन्स लाइक जे वुड हो गई प्लास्टिक हो गई उसको हम इंसुलेटर कहते हैं तो बेटा जी यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए थैंक यू बाय